नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे जीके क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज़ 8 प्रिंटर, फोटोशॉप और फिल्मोरा। अगर आपको क्वेश्चन के सही सही आंसर आते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चार ऑप्शन दिए, विंडोज़ 8 प्रिंटर, फोटोशॉप या फिल्मोरा। तो इसका सही जवाब है विंडोज़ 8 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था, तो इसका सही जवाब है वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, 1996 में बनाए गए सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? CDS 600, CDE 600, CAC 600 या EDC 600। तो सही जवाब है CDC 600। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं या फिर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना बोलें, और हाँ जो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसके आंसर आते तो फटाफट कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है भूकंप की जानकारी नापने में, मौसम की भविष्यवाणी के लिए या संचार के लिए या उपरोक्त सभी। तो इन सभी कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, देशांतरीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। देशांतरीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में आता है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी गोलार्ध। भारत कौन से गोलार्ध में आता है? पूरी गोलार्ध में। किसकी दृष्टि से? देशांतर की दृष्टि से। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहाँ मिला है? कालपी, मेहरगढ़, कालपी या इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ये दो बार ऑप्शन रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कालपी। ध्यान रखिएगा, कहाँ से अवशेष मिले हैं? कालपी से। सेवन क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको सही जवाब आता है फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। इसका 69 उत्तरी अक्षांश से, 37.6 उत्तरी अक्षांश, 64 से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.9 उत्तरी अक्षांश, 64 उत्तरी अक्षांश से, 35 से उत्तरी अक्षांश या 64 उत्तरी अक्षांश से, 37 से उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही जवाब है 64 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरणी कौन सा? अक्षांशीय विस्तार। हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीले के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ था? यू कब्रगा संस्कृति, एच कब्रगा संस्कृति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था, एच कब्रगा संस्कृति का निर्माण हुआ था पूर्वी टीले के स्थान पर। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार, इससे पहले बात करता अक्षांशीय विस्तार के बाद में अब है देशांतरीय विस्तार। तो इसका सही जवाब होगा 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 उत्तरी अक्षांश तक इसका देशांतरीय विस्तार है भारत का। ध्यान रखिएगा 68.7 और 97.25 उत्तरी अक्षांश तक इसका देशांतरीय विस्तार है। दसवां क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु कितने अक्षांश पर स्थित है? 8, 8, 8, 6, 8, 4 और 8, 1। तो सही जवाब है 8, 4। ध्यान रखिएगा क्या है 8, 4। भारत मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना समय आगे चलती है? 4 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट। ये भी क्वेश्चन कई बार SSC रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है 5 घंटे 30 मिनट जो भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री वो आगे चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ऐसा राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राजस्थान। ध्यान रखिएगा, भारत का ऐसा राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या होगा इसका? उत्तर प्रदेश, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? लेखैया, इसामपुर, मेहरगढ़ या बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, और यह आकृति उच्च पुराप्रस्तर युगीन काल की है। 14 क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब किया गया? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कब किया गया, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 15 क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, दमन और दीव, पुदुचेरी, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो दमन और दीव, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? वैसे भी आपको ये वाला आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, 3287763 वर्ग किलोमीटर। इसका जवाब अगर आपको आता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है 3287263 वर्ग किलोमीटर। 17 क्वेश्चन है, पम्बन द्वीप कौन से ब्रिज का हिस्सा है? हावड़ा ब्रिज, आदम ब्रिज, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। पम्बन द्वीप कौन से ब्रिज का हिस्सा है? हावड़ा ब्रिज या आदम ब्रिज? तो जो पम्बन द्वीप है वो किसका हिस्सा है? आदम ब्रिज का। आदम ब्रिज एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो आपको याद होना चाहिए, श्रीलंका और भारत को जो ब्रिज जोड़ता है राम सेतु, उसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है। 18 क्वेश्चन है, प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? महगरा उत्तर प्रदेश, बिलासुरगाम, कौशाम्बी या अनुराधपुर। प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महगरा, बिलासुरगाम, कौशाम्बी या अनुराधपुर। तो इसका सही आंसर है महगरा उत्तर प्रदेश। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महगरा उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य। यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। 19 क्वेश्चन है, 1921 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स मेसन, रॉबर्ट, जॉन मार्शल या इनमें से कोई नहीं। सुनिएगा, 1921 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स मेसन, रॉबर्ट, जॉन मार्शल या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब है जॉन मार्शल। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बलूचिस्तानी का विकसित रूप बताया है? शेर सर्विस, रोमिला थापर, दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बलूचिस्तानी का विकसित रूप बताया है? तो इसका सही जवाब है दोनों ने। दोनों कौन? शेर सर्विस और रोमिला थापर ने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बलूचिस्तानी का विकसित रूप बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली जीके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।